जय सच्चिदानंद भगवान जय सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में आज सुखदेव जी महाराज माता के समक्ष प्रकट हुए, माता पिता को प्रणाम किया और सीधे अरण्य की ओर चल पड़े। आज माता पिता को छोड़ दिया, घर बार भी छोड़ दिया, जन्म लिया और सीधे अरण्य की ओर चले गए। अब अरण्य की ओर क्यों गए? क्योंकि जंगल में जो मंगल है वो घर में नहीं है, घर में तो केवल दंगल ही दंगल है, मंगल तो केवल जंगल में है। सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, उस विधाता को प्राप्त करने के लिए चल पड़े, उस विधाता के लिए अरण्य की ओर आगे बढ़ चले। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को। कथा सुनने के लिए सभी देवी देवता भी धरती पर पधार रहे हैं। इतनी सुंदर भागवत की कथा है। इस कथा में सनत कुमार भी पधारे हैं अमृत का कलश लेकर, और ऋषि मुनियों से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप सभी इस अमृत को ग्रहण कीजिए, इस अमृत को पीने से आप सब अमर हो जाओगे। अरे इस कथा के सार में, कथामृत में क्या रखा है? सभी ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, आपका ये स्वर्ग का अमृत केवल हमारे शरीर को अमर बनाएगा, लेकिन ये हरि कथा का अमृत जो है ये हमारे जन्म जन्मांतर को अमर बनाएगा। हम हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं, पूरे जीवन को अमर बनाएगा। नारद जी भी पधारे हैं, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करके नारद जी आए। वो नारद जी जो दिन रात नारायण 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 गाते हैं, उनका चेहरा आज उदास है। जब सभा में पधारे तो हरि भक्तों ने कहा कि हरि का भक्त आज क्यों दिख रहा है उदास, हरि का दास क्यों दिखे उदास? क्या बात है नारद जी देव ऋषि, आज आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है, इतना उतरा हुआ क्यों है? नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मांड की यात्रा करके आया हूं, चारों तरफ मैंने भ्रष्टाचार देखा, पापाचार देखा, अशांति ही अशांति देखी, कहीं भी सुख और शांति का अनुभव नहीं पाया। लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंचा, नारद जी कह रहे हैं कि जब ब्रज की भूमि पर पहुंचा तो मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। मुनियों ने पूछा, प्रभु क्या आश्चर्य देखा, हमें भी बताओ आपने क्या देखा वृंदावन में? वृंदावन का अर्थ है भक्ति का बगीचा, वृंदा का अर्थ है भक्ति और वन का अर्थ है बगीचा। जिस वन में निरंतर हरि के नाम का भजन गाया जाता है, जहां क्या कण कण दिन रात राधा राधा स्वर में गीत गाता है, राधा नाम पुकारता है, वो भक्ति रूपी वन जिसका नाम है वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की, राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम में जो एक बार पहुंच जाता है ना, तो फिर वहीं का हो जाता है। ऐसे मेरे बाके बिहारी और ऐसी मेरी राधा रानी, और बीच में बह रही यमुना प्यारी, वहां का वैभव, वहां का धन, शांति का धन, समृद्धि का धन, केवल राधा नाम का धन, कण कण में राधा। नारद जी ने कहा, जब मैं वहां गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा, एक सुंदर स्त्री रो रही है और मुझे अपनी ओर बुला रही है, बहुत सुंदर स्त्री। मैं जब उसके पास गया और मैंने प्रणाम किया, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप क्यों रुदन कर रही हो, क्या चाहती हो मुझसे? संत का गांव में आना भाग्य की बात है, संत जब हमारे गांव में आते हैं तो गांव में रहने वालों के लिए भाग्य की बात कही जाती है।
संत जब हमारे घर में आए तो हमारा अहो भाग्य है, और संत हमें याद करे, पास में बुलाए, ये इंसान का मनुष्य का सौभाग्य है। तो आज नारद जी संत हैं, देव ऋषि भक्ति के पास जा रहे हैं। वो स्त्री कोई और नहीं, वो स्त्री कौन है? भक्ति है। और आसपास ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए, भक्ति देवी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविण देश की कन्या हूँ, द्रविण देश में दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है, वो भूमि जहाँ पर रामानुजाचार्य जी जैसे महापुरुष जन्म लेकर के आए, वो पवित्र भूमि जहाँ शंकराचार्य जी अवतरित हुए, ऐसे भूमि पर मेरा जन्म हुआ, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, पंडरपुर में मैं पूजी गई, और गुजरात में जाकर के मैं जर्जर हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर के मेरा शरीर जर्जर हो गया। लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में आते ही मैं चीर यौवना हो गई। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। भक्ति ने कहा कि वृंदावन आते ही मैं चीर यौवना हो गई, मेरे पुत्र अचेत हो गए और मैं जवान हो गई, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। अब बताओ, माँ जवान दिखे और संतान बूढ़ी दिखे तो ये दुनिया क्या कहेगी? इसलिए मैं रो रही हूं, मेरे रोने का कारण ये मेरी संतान है। वृंदावन की पवित्र भूमि पर आते ही मुझे मेरा स्वरूप मिल गया, लेकिन मेरे पुत्रों को नहीं मिला। तो हे नारद जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि जैसा स्वरूप मुझे मिला है ऐसा ही मेरे पुत्रों को भी मिल जाए, क्योंकि भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्य के हो नहीं सकती। बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति अपंग होती है, ध्यान से सुनना। जिस भक्ति में ज्ञान ना हो, जिस भक्ति में वैराग्य ना हो, वो भक्ति किसी काम की नहीं। 100 साल भी करोगे तो वहीं के वहीं रहोगे। प्रेम से बोलो, बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति 100 साल भी करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। रोते रहोगे नसीब को, कोसते रहोगे किस्मत को। तो आज भक्ति रानी नारद जी से प्रार्थना कर रही है, मेरे ज्ञान और वैराग्य को जगाने का उपाय करो। तो आज नैमी शरण्य लेकर के आए हैं भक्ति को और उनकी संतानों को। आओ तुम्हें भागवत सुनाता हूँ, और तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य जो अचेत पड़े हुए हैं उन्हें भी चेतनावान बनाने का संकल्प लेता हूँ। एक संत के द्वार पर जब हम जाते हैं, एक साधु के द्वार पर याचक बन के जाते हैं, तो वो साधु हमारे सारे पापों को हरने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो हमारा अपना है। हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं सच्ची भावना लेकर के, और हमारी याचना जब उसको सुनाते हैं तो वो हम पर करुणा करता है और कहता है, कोई तेरा रिश्तेदार तेरे पाप ले या ना ले, लेकिन मैं लेता हूँ, आ मेरी शरण में आ, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त करता हूँ। जो संसारी लोग नहीं दे सकते वो संत दे सकते हैं, वो साधु दे सकते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है ना वो नवनीत होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हे मारा। राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम।
जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो भक्ति भी आज ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए भागवत की कथा सुनने आ गई। कल की कथा में हम भगवान के 24 अवतारों की कथा को श्रवण करेंगे। धुंधुकारी का चरित्र भी कल की कथा में श्रवण होगा। आज कथा का प्रथम दिवस शोभा यात्रा में आप सभी का उत्साह देख करके मन बड़ा प्रसन्न होगा। आलमगंज से गर्जना करते हुए निकले, आलमगंज से गर्जना करते हुए ठाकुर जी का दर्शन करके पूजा करके वहां से निकले और भगवान के नाम की गर्जना करते करते सीधे यहाँ पहुंच गए लोधी। अब ये लोधीपुरा का जो ये परिसर है ये लोधीपुरा नहीं रहा, ये वृंदावन धाम हो गया है, ब्रज भूमि बन गया है। क्योंकि आज मेरे राधा रमन सरकार 88,000 ऋषि मुनि सभी देवी देवता यहाँ आ गए और 7 दिन यही रहेंगे और पुण्य आत्मा स्वर्गीय धनाबाई राव जी इनकी स्मृति में इनके स्मरणार्थ आप सभी श्री सकल पंच काछी माली समाज के सभी पुण्य आत्माएं आपके द्वारा सुंदर आयोजन जो यहाँ आयोजित किया गया है इसके लिए भी बहुत पुण्य लगा है। सबका पुण्य जब एक जगह आ गया तो ये कार्यक्रम हो गया। क्योंकि धर्म काम करने के लिए धन की आवश्यकता के साथ साथ पुण्य ज्यादा लगता है। धन तो अपनी जगह है, धर्म कार्य करने के लिए पुण्य की ही जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो पुण्यवान होते हैं वही धर्म कार्य करते हैं। प्रेम से बोलो। और आप सभी पुण्य आत्माएं हो इसीलिए आपके माध्यम से ये ज्ञान की गंगा इस परिसर में प्रवाहित हुई है और इस पूरे परिसर का उद्धार होने वाला है। क्योंकि यहाँ सारे देवी देवता 7 दिन के लिए आ गए हैं और 7 दिन हमें सुंदर संकल्प लेकर के यहाँ बैठना है। और एक विशेष बात आज आपको बता दूं, कल की कथा का समय भी ठीक 2:45 बजे और ठीक 5 बजे खत्म। 5 के 5:30 भी नहीं होंगे, ध्यान से सुनना। आप आओ या ना आओ 2:45 बजे मैं यहाँ बैठ जाऊँ। क्यों? क्योंकि कल से भागवत मुझे 2 से 5 यहाँ सुनाना है और यावल जिला जलगांव महाराष्ट्र में मुझे शिव पुराण सुनाना है रात को 8 बजे से रात के 12 बजे तक। और ये शक्ति देने वाला भी वो विधाता ही है तो इसलिए 5 के 5:30 नहीं होंगे क्योंकि मुझे यहाँ से सीधा वहां जाना है। गाड़ी चलाने वाले भी भगवान और बैठने वाले भी भगवान, बोलने वाले भी भगवान, सुनने वाले भी भगवान। तो आइए इस सुंदर चरित्र को हम यहाँ विराम देंगे और अब आरती की ओर अग्रसर होंगे। और हर कथा में आपको ममता दीदी के द्वारा आखिरी दिन कुछ न कुछ मिला है, मिला है ना, आशीर्वाद रूप में बहुत कुछ मिलता है। कभी यंत्र मिलता है, कभी मंत्र मिलता है, कभी कुछ न कुछ मिलता ही है आशीर्वाद में जो भी हो। लेकिन इस बार आशीर्वाद में एक ऐसी अनोखी चीज मिलने वाली है, उस वस्तु का फायदा आज जान लो जो आपको इस कथा के दौरान मिलने वाली है। जो वस्तु आपको आशीर्वाद रूप में व्यासपीठ से दी जाएगी, चाहे कितने भी लोग आए, सबके लिए स्टॉक फुल है। एक ऐसी चीज आपको यहाँ से आशीर्वाद रूप में दी जाएगी कि जिसको अगर आप आपके बेटी और बेटा के शरीर पर बांधते हो तो उससे लव जिहाद की समस्या से आप अपने परिवार को बचा सकते हो। एक ऐसी अनोखी चीज आपकी बेटी को बांधो, बेटे को बांधो कि जिससे चाहे जितना भी खराब वातावरण हो आपके बच्चे को कभी भी बुरी नजर से कोई नहीं देखेगा। ऐसी
ब्रह्म चीज आपको व्यासपीठ से आशीर्वाद के रूप में दी जाएगी, सबको दी जाएगी। जिसके घर में बेटा है, मैं बेटी की रक्षा के लिए नहीं कह रही हूँ, बेटों की भी रक्षा की जरूरत है। बेटियों की रक्षा के लिए नहीं, बेटों की रक्षा के लिए भी है वो चीज, ताकि हमारा बेटा भी अगर किसी गंदी जगह पर भी पहुंच जाए तो उस पर उस गंदी जगह का प्रभाव ना पड़े, ऐसी शक्ति व्यासपीठ से आपको भागवत भगवान के प्रसाद रूपी आशीर्वाद के रूप में दी जाएगी। आइए आरती के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रसाद को भोग लगा दें। राजा परीक्षित के रूप में हमारे भाई सुजीत पटेल बड़ा ही सुंदर स्वरूप राजा परीक्षित का धारण किया है, और सुखदेव जी के रूप में उनके ही पुत्र जो है वो आज सुखदेव जी के रूप में बालक रूप में आपके सामने दर्शन दे रहे हैं। ज्ञानेश्वर